बहुत बरस पहले हवाई यात्रा में मिल गए एक बम्बैया नौजवान को जब ये मालूम हुआ कि मैं बरेली में रहता हूँ, तो उसने बरेली को बेहतरीन मांझे के लिए याद किया। वो कभी बरेली नहीं आया, मगर उसके शौक़ के बहाने मेरा शहर उसकी यादों में है। पतंग आपने भी उड़ाई होगी, न उड़ाई हो तो उड़ते हुए ज़रूर देखी होगी। पतंगसाज बहुत हैं बरेली में और पतंगबाज भी। हालांकि बदलते ज़माने और गमे रोज़गार के चलते अब पहले से शौकीन नहीं रह गए। मांझा बनाने वाले मगर अब भी तमाम हैं और नायाब किस्म का मांझा बनाते हैं। मांझे को धार देने के लिए इस्तेमाल होने वाला शीशा कूटने वाले कुछ कुनबों से मैं मिल चुका हूँ। जानता हूँ कि कबाड़ से इकट्ठा शीशे का सामान इमाम दस्ते में कूट छान कर रोज़ी कमाने वालों की सांस के साथ जिस्म के अंदर जाने वाला शीशे का पाउडर उन्हें बीमार भी बनाता है, मगर उन्हें इससे निजात नहीं है। शीशे के इसी बारीक पाउडर को रंग लेई और मसालों के साथ मिलाकर सूती धागे से रगड़ते हुए उन पर धार चढ़ाने वाले हाथ भी मैंने देखे हैं। ऐसे हाथ जिन्हें देखकर आम आदमी के रोंगटे खड़े हो जाएं। शुरुआती तकलीफ के बाद कारीगर को उसकी आदत पड़ जाती है। शहर के हुसैन बाग और बाकरगंज इलाकों में 20 से 30 फीट के फासले पर बल्लियां गाड़कर उन पर सूत के धागे चढ़ाने के बाद मांझा बनाने की असली कवायद शुरू होती है। तो उस रोज़ हुसैन बाग जाने का इत्तेफाक हुआ। रास्ते में कल्लू शाह के तकिए की तरफ निगाह गई तो देखा कि वहाँ कब्रों के बीच खाली जगह में तमाम लोग अड्डे लगाए खामोशी से चल फिर रहे थे और मांझा सूत रहे थे। उनसे बात करने की गरज से मैं तकिए के अंदर दाखिल हुआ। इतने में सामने से मोटरसाइकिल पर झोले में मांझे की चरखियां लादे एक साहब आते दिखाई दिए। मैंने उनको रुकने का इशारा किया, रुक गए। मैं उनसे बात कर ही रहा था कि उसी तरफ से एक और साहब कुछ रीलें हाथ में थामे आए। उन्होंने हम लोगों को देखा, थोड़ा सुना और दरियाफ्त किया कि आप कौन हैं और आप ये सब बातें क्यों पूछ रहे हैं। मैंने उन्हें अपना मकसद बताया तो मुख्तार ने अपने साथ ले जाकर मुझे और कुछ और कारीगरों से मिलवाया। इनमें से एक मोहम्मद तस्लीम ने मांझा के कारीगरों के हाल पर जो कुछ कहा, लीजिए उसे आप भी सुने। हर काम आजकल की क्योंकि मंदी का दौर है, उस हिसाब से हर कोई जो इस टाइम परेशान है, अब शौक कहाँ से करेगा। ये तो शौक के काम है, आपके पास जैसी टाइम है तो ही करोगे शौक, उससे पहले आप ये काम कर नहीं सकते। शौक के लिए भी टाइम चाहिए और आजकल जब से मोबाइल आए हैं तो सब सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। कब वक्त होता है इसका? अब इसका वक्त है जैसे अपना जनवरी में होता है, जनवरी लास्ट 14 जनवरी संक्रांत के टाइम पे, जब संक्रांत के टाइम पे जब 13-14 तारीख का होता है तो हम लोग 13-14 तारीख के 6 महीने से इंतजार करते हैं, 6 मंथ, और उधर जनवरी से लेके अगस्त तक का इंतजार करते हैं। अगस्त में 15 अगस्त दिल्ली में होती है पतंगबाजी, तो 6 महीने उसका इंतजार करते हैं। मटेरियल जो है रॉ मटेरियल बहुत महंगा है। मटेरियल रॉ मटेरियल धागा महंगा है, लेबर हुई क्यों हुई है, लेबर जो आज से 10 साल पहले जो पैसे मिलते थे वही लेबर को आज मिलता है। हमने 4 चरखी तैयार करी तो उसको 150 रुपये मिलेगा। 4 चरखी तैयार, और एक चरखी में धागा कितना होता है? एक चरखी में 3000 मीटर। 3000 मीटर एक बंदा यहाँ से कम 45 किलोमीटर रोज की अप डाउन कर पाए तो जाके उसे 150 रुपये मिलते हैं। मैंने आसपास निगाह दौड़ाई और पाया कि कब्रों के दूसरी तरफ भी कुछ अड्डे लगे थे और कुछ कारीगर वहाँ भी काम कर रहे थे। कल्लू शाह के इस तकिए के बारे में तमाम लोगों को ये मालूम है कि यहाँ मांझा के कारीगर अपना अड्डा बनाते हैं और काम करते हैं, लेकिन शहर के तमाम लोगों को शायद ही ये मालूम हो कि कटरा मानराय में जो मशहूर लक्ष्मी नारायण मंदिर है, जिसे चुन्ना मियाँ का मंदिर के नाम से जानते हैं, वो मंदिर बनवाने वाले सेठ फजलुर रहमान और उनके ख़ानदान की कब्रें भी इसी तकिए में हैं। करीब ही पाकड़ के एक पुराने पेड़ के नीचे एक बुज़ुर्ग अपने थैले मांझे की कुछ रीलें फैलाए बैठे थे। मैं करीब गया और देखा कि उनके हाथ में जो पर्चियां थीं जिन्हें वो रीलों पर चिपका रहे थे, उन पर उनका नाम दर्ज था, मुनक्का उस्ताद। मुनक्का उस्ताद पिछले 50 साल से मांझा बनाने के काम में जुटे हुए हैं। अब चूंकि वो उस्ताद हैं तो इसलिए वो मांझा बनाने का काम खुद नहीं करते, ये काम उनके सिखाए हुए कारीगर करते हैं।
उनका उस्ताद ने क्या कहा आप भी सुनिए। सही था और जब पब्लिक आने पैसे ही नहीं है तो क्या करेगी, पैसा हो तो शॉप करे, पैसे ही नहीं। कुछ और करने के बारे में सोचते हैं आप? हैं? कुछ और करने के बारे में? अब जो शॉप की चीज है शॉप हो। मुनक्का उस्ताद ने अपने उस्ताद का नाम तो अच्छन मियां बताया, लेकिन मैंने उनसे और दूसरे कारीगरों से ये जानना चाहा कि शहर में माझा बनाने वाले पुराने उस्तादों में कौन हयात हैं। तो मुझे बताया गया कि शहर के हयात पुराने उस्तादों में रफन मियां हैं जो कंगी टोले में रहते हैं। कंगी टोला में उनका घर खोजना थोड़ा मुश्किल काम था, लेकिन उस्ताद रफन का घर मिल गया। बाहर इमाम दस्ते में मसाला कूट रहे एक सज्जन मिले और जब हमने उनसे पूछा कि उस्ताद रफन यहीं रहते हैं तो उन्होंने फरमाया कि हाँ वो मेरे वालिद हैं, आपको क्या काम है। मैंने उन्हें बताया कि बस मैं उनसे मिलने आया हूँ और मुझे उनसे कुछ बात करनी है। वो अंदर गए, थोड़ी देर बाद लौट कर आए और उन्होंने मुझे बताया कि उस्ताद अभी सो रहे हैं, कुछ बुखार है, तबीयत ठीक नहीं है। तो हमने वहाँ से लौटने का इरादा किया और लौट ही रहे थे कि उन्होंने कहा कि रुकिए एक बार और कोशिश करके देखते हैं। अब की बार वो आए और उन्होंने बैठा खाने का दरवाज़ा खोल दिया और हमसे कहा कि वो अभी तशरीफ ला रहे हैं। उस्ताद आए, उन्होंने अपने दिनों के मांझे की खूबियों के बारे में, अपने वालिद और अपने बाबा से सीखे हुनर के बारे में और पतंगबाजों के बारे में कई किस्से बयान किए। तो वो किस्से आप उस्ताद रफन की जबानी ही सुनाएं। जैसे कि शौकीन का मांझा बनता है, शौकीन का जो मांझा बनाया जाता है बस वही मांझा अच्छा होता है, इससे 19 किस्म का भी मांझा बनता है, लोग बनाते हैं तो वो उससे बढ़िया होता है। स्पेशल वाला जो मैदानों में लड़ाते हैं लोग, स्पेशल तरीके से तैयार करा जाता है उसको, उस माल को मसाले वगैरह बनते हैं उसके, मसाले वगैरह उसके इस तरह की खूबी का ख्याल रखते हैं कि मांझे के अंदर धार हो और मलामियत के साथ हो, मलाम हो मांझा। ये उस टाइम की बात बता रहे हैं, हम अपने टाइम की बात बता रहे हैं, उस टाइम से मांझा मलाम चलता था और इस तरह की तमाम जो उसमें देख रेख करते थे हम, मांझा हर तरह से हर सूरत से सही बने बिल्कुल उसमें। अच्छा आजकल जो मांझे लोग बनाते हैं ना तो वो उसमें धार ज़रा तेज चाहिए हैं, तेज़ मांगते हैं लोग, शौकीन तरह तेज़ मांगते हैं। उस टाइम पे मलाम मांझा बनता था, अब ज़रा तेज़ कर्रा सख्त मांझा बनता है। एक साहब आए जिनको पतंगबाजी का ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी ना शौक था, उन्होंने मांझे वालों से पेच बदल लिए, उन्होंने मांझे वालों से पेच तय कर लिए पाँच पाँच, जबकि उन्हें ना तजर्बा था ना कुछ था। तो उन्होंने उनको ये फिक्र पैदा हुई कि मैं किससे माल सुलवाऊँ अपना ना, तो किसी ने बताया मेरा नाम ना किसी और का बताया, तो उन्होंने बताया मेरा नाम, मेरा नाम बताया। तो जब मेरे पास आए तो उन्होंने मुझसे कहा कि भैया उधर मांझे वाले हैं सब, आप मेरा मांझा तैयार करो तो बढ़िया करके। इसके बाद में ये हुआ, हमने उनको मांझा दे दिया बढ़िया करके तैयार करके। तो जब वो छतों पे से लड़ाने लगे, समझ रहे हैं आप, जब वो छतों पे से लड़ाने लगे तो उनकी एक पतंग कट गई जो हमसे मांझा ले गए थे, इसके पाँच पेच रह गए। अब इसके बाद दोबारा जब उड़ाई उन्होंने तो वो भी पतंग कट गई उनकी। अब तिबारा अब उनके हाथ पर फूलने लगे, अब तीसरी पतंग उड़ाई वो भी उनकी कट गई, चौथी पतंग उड़ाई वो भी उनकी कट गई जो हमसे मांझा ले गए थे। अब उन्होंने सब रख रखा के हाथ पैर उनके फूले हुए बुरी तरीके से इज्जत और दिल्लत का सवाल आन के पड़ गया वहाँ पर। अब वो उनके पास गए जिन्होंने मुझसे मांझा दिलवाया था, हम बोले तुमने किससे मांझा दिलवा दिया यार, मेरी चार पतंगें कट गई एक साथ। अब उनके भी हाथ पैर फूल गए जिन्होंने हमसे मांझा दिलवाया था। इसके बाद में ये हुआ, उनके चलो भाई जरा हम भी चल के देखें कैसे है क्या है। तो वो जो पतंग उनको उड़ाना चाहिए था वो पतंग नहीं उड़ा रहे थे, वो थे दूसरे लोग जो थे ज़रा थोड़े माहिर थे, ये कमज़ोर थे लड़ाने में, ना तजर्बा था उनको। उन्होंने कहा ये पतंग रहने दो, ये सी पतंग उड़ाओ। उन्होंने फिर वो सी पतंग उड़ाई जो बतलाई गई थी उनको,
जब केस सही होने को हुआ, लड़ने को हुआ, तो उन्होंने कहा ना थोड़ी सारी और निकालो उनसे और पार करो पतंग। जब उन्होंने पार करी तो उन्होंने एक ही से ही पांच काट दी, एक ही से ही पांच काट दी। एक वाक्य तो यह है, बाद में फिर मिठाई बगा से उन्होंने पांच काट दी पतंग में उनकी। तो इसमें ना तजर्बे की भी ज़रूरत है लड़ाने की, लड़ाने की पतंगबाज को तजर्बे की भी ज़रूरत है। ये तजर्बे के ना तजर्बे कारी में वो कट्टे चले जा रहे थे, तजर्बे के हिसाब से जब दूसरों ने बतलाया तो उन्होंने फिर एक से ही पांच काट दी। बड़े पतंगों का भी हिसाब होता है, छोटे बड़ी पतंगों का भी हिसाब होता है, जगह की आगे पीछे का भी हिसाब होता है। जैसे कि हम यहाँ खड़े हुए हैं और आप यहाँ खड़े हुए हैं, यहाँ पे आगे पीछे का भी हिसाब होता है। बिल्कुल इसमें काट हो जाती है गलत तरीके से, कई बातें हैं, कई तजर्बे करना पड़ते हैं इसके अंदर, तो जाके आदमी कामयाब होता है, मशहूर होता है लड़ाने वाला। मेरा माल कट गया और मुझे खुशी हो उसकी, यह एक अजीब गरीब वाकया है साहब मेरी जिंदगी का, जिंदगी का। जी एक रामपुर वाले मुझसे एक रील ले गए, एक ही रील था मेरे पास, वो लेके उनसे खरीद लिया दुगने तिगने पैसों में और मुरादाबाद वालों ने। वो रील चला गया रामपुर से मुरादाबाद। जब यहाँ से लोग गए, टीम गई बरेली से वहाँ लड़ाने के लिए, तो वहाँ पर वो जो मांझा था एक रील का, वो जो एक रील जो ले गए थे, उन्होंने एक रील से उनकी आठ पतंग काट दी इन लोगों की। अब वो सटपटा गया, घबरा गया, ये क्या किस्सा हुआ। तो उन्होंने कहा जाओ, तो वो जो जिनकी टीम कट रही थी, तो उन्होंने एक आदमी को भेजा, जा साला कोने में चरखी रखी हुई हमारी, उठा के तो लाओ जल्दी से। वो थी उनकी आजमाई भी, समझ रहे हैं, वो थी उसकी आजमाई भी। तो जिस वक्त वो वहाँ से चरखी लेके आए हैं, तो उन्होंने हमारे मांझों को काटा उस चरखी से जो कोने में रखी हुई थी, वो थी हमारे वालिद साहब की। तो उससे जिस वक्त हमने सुना और जिस वक्त मांझा हमारा काटा, तो हमें खुशी हुई कि हमारे वालिद साहब की अल्लाह ने लाज रखी उस टाइम पे, उन्हें भरोसा था हमारे वालिद साहब के मांझे पे।